दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाए। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के वीडियो में आपको ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बनाने वाली हूँ और इसकी ओपनिंग फ्रंट साइड है और ये 32 साइज का ब्लाउज है। शोल्डर मैंने 12 इंच लिया है और अभी आपको बताती हूँ इसमें नेक डिजाइन कैसे डालें। तो नेक डिजाइन डालने के लिए मैंने दूसरा कपड़ा भी यूज कर रही हूँ, आप अपनी साड़ी के मैचिंग के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम शोल्डर से ले रहे हैं 3 इंच और उसके बाद जो ये डिजाइन हमारी पड़ेगी ये पूरा पैच हमारा नीचे तक आएगा। अभी हम इसमें शेप दे देते हैं। देखिए हमारी शेप कुछ इस तरह से आएगी। अभी हम सेम ड्रॉ पे कट कर लेते हैं। अभी हमारा जो ये ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट को रखें, जो मैं दूसरा कपड़ा यूज कर रही हूँ ये कपड़ा रखेंगे। अभी हमने ये हटा लिया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग कर देंगे। ये पूरे पीस में इसी तरह मैं 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ। तो देखिए ये मार्किंग कर लिए, सेम मार्किंग के कट कर देती हूँ। तो देखिए ये पैच निकला है हमारा। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम आधा इंच की कैनवास कट करेंगे। तो देखिए मैंने ये कपड़ा और ये कैनवास दोनों कट कर लिए। अभी हम क्या करेंगे, इसको तैयार करने का तरीका बताते हैं। तो देखिए इन पीसों को हम इस तरह से, जो हमारी ये कैनवास है इसको आप इस तरह से तैयार कर लें। ऐसे ही हम फोल्ड नहीं कर रहे हैं, खाली ऐसे एक तरफ आप स्टिच डालेंगे तो ये कैनवास जो हमारी सेट हो जाएगी। तो ये दोनों साइड के पीसों को हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद फिर हम यहाँ पे नेक में अटैच कर देंगे। अभी यहाँ पे जैसे हमने नीचे तक कट किया तो यहाँ पे पैच डालने वाले हैं, तो अभी आपको पैच की कटिंग बताते हैं। तो देखिए ये मैंने कैनवास का टुकड़ा लिया है, अभी आपको इसकी चौड़ाई लंबाई बता देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने 6 आ रहा है सिंगल डबल फोल्ड में, 12 इंच इसकी लंबाई हो गई और मैंने ये 6 इंच इसकी चौड़ाई ली है। और अभी हम इसमें ड्रॉ करते हैं। तो जो यहाँ से हम इस तरह से इसके, अभी आप ये देख लें आपको गुलाई नीचे कितना पट्टी चाहिए, तो पहले इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। जैसे ये स्ट्रेट कर लिया, अभी जैसे मैं यहाँ पे ये 4 इंच की पट्टी या 3.5 इंच की जितना चौड़ी या पट्टी रखना चाहे उस हिसाब से करें। जैसे मैं 3.5 इंच रखना चाह रही हूँ तो 3.5 इंच तक हम इसमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से आपको इसकी गुलाई देनी है, नीचे से पूरा स्ट्रेट रहना है।
अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने ये ग्रीन कपड़ा लिया है और ये मैंने नीचे येलो कपड़ा लिया है। तो मैं क्या करूँगी, पहले इस पीस को भी इसके साथ में ज्वाइंट कर लेती हूँ। ज्वाइंट करने के बाद तो दोनों पीस हमारे इसमें आ जाएगी डिजाइन। और उसके बाद से ड्राफ्ट को इस तरह से रख के इसकी सिलाई करके और इसको फिर पलट देंगे। तो देखिए ये पीस मैंने ज्वाइंट कर लिए हैं दोनों पीसों में, और ये भी सीधा रखा है, ये भी सीधा रखा है, ऊपर नीचे दोनों उल्टे आ रहे हैं। और अभी मैंने जो कैनवास कट की है उसको इस तरह से सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कैनवास में सिलाई कर लेंगे और नीचे स्ट्रेट एक सिलाई डाल देंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर भी सिल लिया, नीचे भी सिल लिया। अभी इसको पलट देते हैं, तो यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे। तो देखिए पलट दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसकी सिलाई डाल देंगे किनारे पर, तो ये सेट हो जाएगा। तो देखिए हमने सिल दिया है। अभी हम क्या है, हमने लेस ली है, इस लेस को यहाँ पर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे। तो नीचे में हम पूरे में नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये तो सब हमारा अंदर चला जाएगा, खाली इसको सेंटर में लगा लें। पैच हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम साइड में रख देते हैं। और हमने अभी जो ये कैनवास और ये पट्टी जो कट की थी, ये भी हमने इस तरह से जैसे मैंने बताया खाली फोल्ड नहीं किया, ऐसे ही स्टिच कर दिया वन साइड से। और अभी हम इसको ब्लाउज में स्टिच करते हैं। मैं ये विदाउट लाइनिंग ब्लाउज बना रही हूँ, आप अगर लाइनिंग वाला बना रहे हैं तो सेम ड्राफ्ट रख के लाइनिंग भी कट कर लें। तो देखिए ये हमारा सीधा है और ये उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, उल्टे ब्लाउज की तरफ से ही ये पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। इसको यहाँ से नीचे से ऊपर तक स्टिचिंग डाल देंगे। जो ये पॉइंट है यहाँ पर कट दे दे। अब कट देने के बाद हम इसको बाहर की तरफ पलट देंगे। तो देखिए इस तरह से आएगा। मैं इसमें येलो पाइपिंग दूंगी, तो थोड़ा सा हल्की से इस तरह से पाइपिंग दे देंगे। देखिए मैंने स्टिच कर दिया, ये पाइपिंग दे दी है। अभी हम यहाँ पे इसमें लेस लगाएंगे। अगर आप लेस नहीं लगा रहे हैं तो डायरेक्ट आप इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहले इस तरह से दूसरा पीस तैयार कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे हम एक साथ ही लेस लगा देंगे। तो देखिए मैंने ये दोनों पीस तैयार कर लिए, मैं नॉर्मल प्लेट भी डाल दी है। अभी हम इस पीस को हटा देते हैं और इस पर यहाँ पर इस तरह से लेस लगा देते हैं। तो देखिए ये इस तरह से मैंने डाल दी है, एक सिलाई और किनारे पर डाल देंगे और इसी तरह मैं दूसरे साइड में भी सिलाई डाल देती हूँ। तो देखिए ये दोनों तरफ मैंने लेस लगा दी है, दो दो सिलाई डाल दिया है। अभी हम नीचे कमर में फिनिशिंग दे देते हैं। उसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे और बाद में फिर नीचे तुरपाई कर देंगे। यहाँ से ऐसा फोल्ड कर दें 1/2 इंच। तो देखिए मैंने स्टिच कर दिया, मैं इसमें पाइपिंग देने वाली हूँ। तो इस तरह से हम हल्की सी इसमें पाइपिंग दे देंगे।
तो देखिए मैंने पाइपिंग भी दे दी है और अंदर की तरफ तुरपाई कर दें, दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसमें पैच अटैच करते हैं। जो पैच तैयार किया है हमने, पैच को इस तरह से सेट कर लेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 2 इंच पर, यहाँ पर गैप 2 इंच का दे दें नीचे, और इस तरह से पिन से सेट कर लें। उसके बाद यहाँ पर भी एक एक पिन लगा देंगे जिससे कि ये सेट हो जाएगा। और सेम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सिलाई डाल लें और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से सिलाई डालना शुरू कर देते हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्टिच कर दिया है, और जो अंदर जो एक्स्ट्रा था यहाँ पे हमने कट कर दिया है, और बाद में यहाँ पे हम तुरपाई कर देंगे तो वो एकदम सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। यहाँ पे आप डोरी डाल सकते हैं। और देखिए एक रेडीमेड मैंने पैच लिया है, जो कि हम यहाँ पे इसको इस तरह से आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं या फेब्रिक ग्लू से चिपका भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर से नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।